साथियों, ये जो समाज की बेटी साक्षी भड़िया है, उन्होंने बनाया और हमें दिया है। ऐसी बेटियों को सेवा व्यवहार और कल के प्रोग्राम में जो समाज के बेटे बेटियां शामिल हुए, हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, बिना रिसर्च और बिना तथ्य और प्रमाण के आज तक कोई बात नहीं किए और भविष्य में भी नहीं करेंगे। जेएस हमेशा वास्तविकता की बात करता है और जेएस के लिए जो लोग कुछ दिन काम करके आज साइलेंस बैठे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध भी चैलेंज के साथ झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हर किसी को जवाब देना भी उचित नहीं है, जवाब देने लायक लोग होंगे और उनके सवालों में कोई दम होगा तो ही जवाब दिया जाएगा, नहीं तो कोई जवाब नहीं दिया जाएगा किसी को। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जेएस में जो साथी लोग काम कर रहे हैं और जो 19-20 होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी भी संभल जाए, नहीं तो भविष्य में उनके लिए भी कड़े फैसले लेंगे हम लोग। हम लोग शुरू से विचारधारा के साथ चल रहे हैं और विचार जेएस की विचारधाराओं के साथ किसी भी कितना भी ताकतवर होगा उनके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। आज हमारे जेएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर भाई लोकेश मुजालदा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है इंदौर में, इतना बेहतरीन जेएस का 11वां स्थापना दिवस हुआ है, मनाया गया है धूमधाम से, तो ये कामयाबी है हमारे लिए। और हमारे लिए कोई अलग नहीं है, सब हमारे लिए एक जैसे हैं। आज के दिन राजस्थान का जो आदिवासी परिवार है उनका भी स्थापना दिवस है 10वां, तो इस दिवस पे राजस्थान के और आदिवासी परिवार से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं दिल से सेवा व्यवहार करता हूं और बधाइयां देता हूं। आप लोग बेहतर कार्य करें, लेकिन आप लोग जहां पे भी कार्य करें बेहतर कार्य करें, यही उम्मीद आशाएं हैं। हम लोगों को बधाई कोई नहीं देगा, चलेगा, लेकिन हम लोग बधाइयां देना जानते हैं, समाज के कार्यों को जानते हैं, क्योंकि जेएस वो ताकत है। जेएस को देख के कितने संगठन बने और आज वही संगठन बनकर हम लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो समझने की जरूरत है। और युवा साथियों को भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है, आज भी हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं और भ्रमित करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, उनका भ्रमित करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है, या फिर वर्चस्व का कारण होगा या फिर किसी अवसर का कारण होगा, वो अवसर भुनाते हैं। अभी जगह जगह हम लोगों ने 16 मई स्थापना दिवस मनाया, ये सॉरी 16 मई जेएस स्थापना दिवस इंदौर में मनाया और सारे सोशल साइट से लगाकर जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर को जेएस मई कर डाला। ये ताकत है जेएस की। और जो लोग विरोधाभास करते हैं वो लोग कभी जेएस का 16 मई को मानते ही नहीं, स्थापना दिवस को। उन आज तक उन्होंने 16 मई जेएस स्थापना दिवस कहीं मनाया भी नहीं, हो सकता है एक आध बार मनाया हो चुनाव आने के कारण, लेकिन हम लोग हमेशा जेएस विचारधारा के साथ रहेंगे और जेएस विचारधारा को कभी डिफेक्ट नहीं होने देंगे। चाहे कितने भी ताकतवर लोग हो, उनको हम साइडलाइन करेंगे। और जो अभी आउटसाइड रह के जेएस के माई बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी देखेंगे, देखते हैं कितनी बड़ी ताकत है, वो सब झेलेंगे हम लोग और जेएस को भविष्य में बेहतर तरीके से काम करेंगे। कल का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जो उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के इन पलों में जो जो युवा वहां पर शामिल हुए, उन सभी युवाओं को कार्यक्रम की सफलता के लिए और फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट पे भी
बधाइयां दे रहे थे और जो जेएस के शुभ चिंतक है वो वहां पर नहीं शामिल हो पाए, उन्हें भी मैं कार्यक्रम की सफलताओं की बधाइयां देता हूं, क्योंकि हम लोग एक रहेंगे तो ऐसे कार्यक्रम अनगिनत कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब तो जेएस खत्म हो गया, अब क्या बचा है, वो उनका भ्रम है। जेएस का कार्यक्रम डिक्लेयर करके दो तीन दिन में आलीशान तरीके से कार्यक्रम करना, यही हमारी सफलता है, यही आप सभी की मेहनत है, यही आप सबका समर्पण है। चाहे सामाजिक समर्पण हो, चाहे सांस्कृतिक समर्पण हो, चाहे शैक्षणिक समर्पण हो, चाहे हर प्रकार का वैचारिक समर्पण है ये। और बहुत सारे लोगों ने, ये भी एक दो लोगों ने लिखा कि अरे ये तो पेड़ों के नीचे से कहां चले गया, ऐसी कमरों में, शहरों में चले गया, शहरों में मनाने से क्या होगा, शहर में मेरे समाज के छात्र है, हम उनके दुख दर्द को जानते हैं, वो चार चार पांच पांच हजार रुपए महीना कमरा किराया दे रहे हैं, उन लोगों का दर्द हम जानते हैं, इसलिए हम लोग महानगर में रखे। और आने वाले दिनों में जेएस के कार्यालय हर राज्य में खुलेंगे, हर राज्य में जेएस के कार्यालय ओपनिंग होगी आने वाले दिनों में। और इस जेएस स्थापना दिवस में जेएस की छात्र विंग बनी है, उसके मोनो का भी विमोचन किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, वो बेहतर कार्य करेगा छात्र विंग। आने वाले दिनों में हर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जेएस विचारधारा के युवा दिखेंगे। और जेएस हम पहले से ही बोल रहे हैं, जेएस सामाजिक है, सामाजिक ही रहेंगे, रहेगा, लेकिन जो लोग जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए उचित विकल्प भी देंगे हम। आप जाओ, जेएस नेतृत्व खड़ा करने का साचा है और इस साचे को हम लोग बिल्कुल ताकत के साथ बनाए रखेंगे। एक दूसरे का विरोध क्यों करते हो, कुछ लोग तो फेसबुक पे इसी में लगे रहते हैं विरोधाभास करने में, अरे आप क्या कर रहे हैं, खुद भी तो देखो। जैसे जेएस का कार्यक्रम की स्थान की सूचना सबदूर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को सर्वा सर्वा समझने के चक्कर में बोल रहे कि जेएस का दिवस यहां यहां मनाया जाएगा, यहां यहां मनाया। भाई यहां एक एक जगह मनाया क्या आप लोगों ने, कहीं मनाया है तो बताओ हम लोगों को कि हमने जेएस स्थापना दिवस यहां मनाया। हम भी हर क्षेत्र से जुड़े हैं, हर लोगों से जुड़े हैं, हमको पूरी जानकारियां रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे बैठ के ज्ञान बांट रहा है। इन अति ज्ञानियों को आउटसाइड करना पड़ेगा और समर्पित साथियों को समाज के साथ लेकर चलना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हम तो गूंगे में भी बेहतरीन आवाज वैचारिक रूप से एक्टिवेट कर देंगे, ये ताकत रखते हैं हम। पुरखाई विचारों के साथ चल रहे हैं, खत्रिजों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं हम लोग, हमारे क्रांतिकारियों की प्रेरणा से काम कर रहे हैं हम लोग। कभी रुकेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे, बस आगे ही बढ़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम दिखेगा। और ये टांग खिंचाई काम छोड़ दो, बहुत सारे लोग जेएस को अलग अलग संज्ञा देके पुकारते, अरे ये फलाना कमेटी वाले, अरे ये कमेटी, अरे कोई कमेटी वमेटी कुछ नहीं है, जेएस का कोई ग्रुप रूप कुछ नहीं है, जेएस सिर्फ एक है, हम सब एक है। वैचारिक मुद्दों और समस्याओं के साथ हम लोग कभी किसी से अलग नहीं होते हैं, ना किसी की बुराइयां करते हैं। कोई हर साथी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके कार्य को हम लोग मुबारक देते हैं कि आपका कार्य बढ़िया है, लेकिन ये विरोधाभास करना तो छोड़ दो। जो साथी रात दिन हमारे साथ रहते हैं, हम लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, वो साथी भी कुछ साथी व्हाट्सएप ग्रुप में लिख रहे हैं, उनको भी बाज आना चाहिए कि आप भ्रमित मत करो युवाओं को, चाहे कितने भी बड़े हो। अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल दिए, आप अगर हम लोग समझौतावादी जिंदगी जीते तो आज हमारी जॉब नहीं जाती। क्या है, दो मिनट थोड़ा समझौता तो करना था, थोड़ा झुकना ही तो था, जॉब भी मिल जाती, सब हो जाता, लेकिन हमने कभी समझौता नहीं किया। जॉब तो गई,
जिंदगी चले जाएगी तब भी समझौता नहीं करेंगे हम किसी के साथ। समाज की जो पुरखा विचारधारा है उस विचारधाराओं के साथ मरते दम तक हम समझौता नहीं करेंगे। ये चलता रहेगा, चाहे आप साथ दो या ना दो, हमको किसी के साथ आने से फर्क नहीं पड़ेगा, हमको उनसे फर्क पड़ेगा जो समर्पण के साथ समाज का काम कर रहे हैं, समाज के लिए रात दिन रखे हैं, दिन मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने आंसू बहाया है, उन युवाओं से हमको फर्क पड़ता है। और एक बात और है, हमारा कितना भी जेएस के प्रोग्रामों का आप विरोध कर लो, लेकिन फिर भी हम आप लोगों का साथ ही देंगे, किसी को अकेले नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसा काम मत करो कि अंत में आपको पछताने का पछतावा हो। काम ऐसा करो कि किसी को पछताना ना पड़े भविष्य में। देखो गलत होगा आज नहीं तो कल, सच्चाई ऊपर आती है। हम लोग गलत होंगे, हमारे विचार गलत होंगे, तो आज नहीं तो कल ऊपर आएगा, सच्चाई सामने आती है, सच्चाई छुपती नहीं है, और सच्चाई को ही लेके चल रहे हम लोग। और एक बात बता देते हैं कि जेएस के प्रोग्रामों में किसी को अतिथि विशेष अतिथि अध्यक्ष वगैरह ये हम लोग कोई नहीं बनाए, हम सब मुखिया थे वहां पे, जितने भी आए लोग सब मुखिया थे। लेकिन कार्यक्रम का संचालन वगैरह जो करना है, मैनेजमेंट करने के लिए अलग समिति गठित करके वहां पे युवा काम कर रहे थे, और जो लोग युवा काम कर रहे थे वो तारीफ पे काबिल है। आज जेएस का कारवा जो इतना बड़ा चल रहा है, वो उस कारवे को हर जगह वाच किया जा रहा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी सोशल साइट पे जेएस नाम का हर जगह प्रचार हुआ है, फिलहाल जेएस स्थापना दिवस के रूप में हर जगह स्टेटस चले हैं। बहुत सारे लोग इस माहौल को भुनाने का काम करेंगे, किस माहौल जो अभी बना है, जेएसमय माहौल बना है, उसको कैसे भुनाया जाए, ये साइकोलॉजिस्ट के बेहतर जानकार है। ये परिस्थितियों के वैज्ञानिक है, इनको समझना होगा, इन वैज्ञानिकों को। और जेएस वास्तव में जो काम कर रहा है वो समाज के सामने दिख रहा है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कुछ मीडिया वाले भी रहते हैं, वो लोग आज भी मीडिया मध्य, चाहे प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे मीडियाओं के पत्रकारों को पता ही नहीं है वास्तविकता क्या है जेएस की। वो किसी को भी जाके पूछने लग जाते हैं, अरे जेएस तो ये है वो है। जेएस को समझने के लिए उन पत्रकारों को भी तह में जाना पड़ेगा, वास्तविकता कोई नहीं समझ पाएगा जेएस की। जेएस की वास्तविकता समझने के लिए हमारे जैसे ये अभी पूरे ये बाल चले गए और बाल सफेद हो रहे हैं, वैसे उम्र गुजारना होगा, तब जाके जेएस समाज में आएगा। ये जब जेएस जो है पुरखाओं के विरासती विचारधाराओं से मिलकर बना है। साथियों एक दूसरे का विरोध करना छोड़ दो, आप कितना भी विरोध करोगे फिर भी हम आपके साथ है, किसी के विरोध में नहीं जाते हम लोग। आज तक हमने किसी का विरोध नहीं किया, हमारा पर्दे के पीछे बहुत सारे साथी विरोध करते, वो उनकी लालचा है, उनकी लालच है, उनका तर्क है। और जब से ये चुनावी विचारधारा आई है बहुत सारे लोगों में, तब से अपने साथियों को भी दुश्मन की तरह समझने लग गए बहुत सारे लोग। उनको भी समझने की जरूरत है, समझ जाओ अभी भी परिस्थिति है आपके पास, नहीं तो अकेले पड़ जाओगे, पार्षद बनने लायक भी नहीं रहोगे। इस जेएस विचारधारा के साथ रहो, हम लोग तन मन धन के साथ भिड़े हुए हैं, और आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट विंग्स बनी है, हर जगह कार्यकारिणियां गठित होना है, और जेएस का जो ये छात्र संगठन विंग का जो अध्यक्ष है भाई बाबू बघेल, ये बहुत समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, वो खुद भी समर्पित है, उनका घर परिवार सब उनके लिए समर्पित, समाज के लिए समर्पण है। हमारे साथ ऐसे युवा काम कर रहे हैं जिनके माता पिता भी समर्पण के साथ आते हैं प्रोग्रामों में, और उनके
रिश्तेदार वगैरह समर्पण के साथ उन लोगों से जुड़े हुए हैं। आज इंदौर का अध्यक्ष को देख लो आप, भाई पवन मुजालदा को, पवन मुजालदा के साथ उनका पूरा परिवार, मां से लगाकर बहन से लगाकर रिश्तेदार से लगाकर पूरे बंधु जेएस के प्रोग्रामों में आते हैं। ऐसे समर्पित साथी को ही हम लोग जिम्मेदारियां देंगे जेएस की, और जो लोग जिम्मेदारी जेएस की और गुण किसी और के गा रहे हैं ऐसे साथियों को जिम्मेदारियां नहीं देंगे हम लोग। जेएस का मंच बना है, भविष्य में भी यही रहेगा। जेएस के कार्यक्रम में जो जेएस के विचारधाराओं को वास्तव में फॉलो कर रहा है उन्हीं को मंच दिया जाएगा। हर किसी को जेएस का मंच भविष्य में नहीं दिया जाएगा, यह भी तय है। और चाहे जितना खींचातानी टांग खिंचाई कर लो और जितना विरोध कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आज भी सभी को साथ लेके चल रहे हैं, और जब जब जेएस का नाम गुमनामी की तरह जाता है तब तक तब हम लोग आते हैं, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थितियों में जेएस को उभार कर हम लोग ऊपर लाते हैं। अभी बोल रहे थे ना बीच में कि जेएस खत्म हो गया है, तो हम लोगों ने बता दिया 2-3 दिन में ही प्रोग्राम करके कि जेएस खत्म नहीं हुआ है, जेएस विचारधारा के आधार पर बना है, यह आज भी जिंदा है और युवाओं के दिलो दिमाग में घर कर गया है। और आज जेएस के लिए जो युवा काम कर रहे हैं उनके सीने में आग जली है, बेचारी का आग, वो आग बुझने वाली नहीं है। और जेएस में वही आदमी ज्यादा दिन तक टिक पाएगा जिसके दिल में समाज हित की आग जली हो, ऐसी आग जलाना होगा समाज सेवा के लिए। इसीलिए आज जो जेएस नामक चिंगारी जो पूरे देश में रोशन कर रही है वैचारिक रूप से, ये आने वाले दिनों में, अभी मैं खुद हर जगह प्रोग्राम करूंगा और समाज के लिए समर्पण के साथ काम करूंगा मैं, और समर्पण के साथ काम करूंगा। अभी तो फ्री हो गया हूं मैं, और देखते हैं कौन सी विचारधारा सामने आती है, सबसे टकराते हुए आगे निकलेंगे। लेकिन समाज की वैचारिक ताकत और विचारधाराओं के साथ किसी से समझौता नहीं होगा। जेएस सामाजिक है, सामाजिक तरीके से अपनी कार्यशैली बिल्कुल बनाए रखेगा, और जेएस के ऊपर उंगली उठे ऐसा काम हम नहीं करेंगे। युवा साथियों से मैं फिर निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग, जो लोग 4 दिन जेएस का काम करते हुए फिर दूसरे कार्य में लग जाते हैं, उनकी बातों में आके भ्रमित ना हो। जो लोग 24 घंटे जेएस के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी बात सुनो। उनके लिए खड़े रहो। हम लोगों को उनके लिए काम करना है। आने वाले दिनों में हमारी नस्लें बेहतर कार्य करे, इसलिए हम लोग सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। किसी का विरोधाभास नहीं है हमारे दिलो दिमाग में। जो राजनीति में जाना चाहिए आप लोग बेहतर तरीके से वहां पर भी ताकत के साथ स्थान बनाए रखे, राजनीति में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से कार्य करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बेहतर रूप से कार्य करें, ये चाहते हम लोग। हर किसी का विरोध नहीं करना है, विरोध करने से अपनों से दूर हो जाओगे आप। जो आप लोगों को दिलो दिमाग से, दिलो जान से चाहते हैं समाज हित के लिए, उन लोगों से भी दूर हो जाओगे, और फिर आपका, आप जो काम करोगे उसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए समर्पण के साथ साथ दो, और जो लोग टिकट के चक्कर में अपनों का विरोध कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग बाज आ जाओ, नहीं तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जो अभी जेएस से दूरियां बना के कोई लोग अलग काम कर रहे हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि वो भी बड़े बने वहां रह के, कोई अलग अलग पार्टियों से जुड़ गए हैं, हम लोग चाहते हैं वहां रह के आप बेहतर काम करें, हम बैकअप देंगे आप लोगों को। किसी भी स्तर का व्यक्ति हो उस व्यक्ति का हम साथ देंगे,
और जो लोग अभी जेएस के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको कभी तवज्जो नहीं दिया जाएगा। बाप किसी को नहीं बनने दिया जाएगा जेएस का। जेएस है तो पुरखा विचारधारा पे काम कर रहा है, वही जेएस का सच्चा समर्पित कार्यकर्ता है। हर किसी को जेएस का जेएस के फैसले नहीं लेने दिया जाएगा, और फैसले भी लेंगे तो चार दिन चांदनी के रहेंगे उनके। जो चार दिन जेएस के लिए काम करने वाले फिर दूसरे के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम जेएस का फैसला मंजूर नहीं रहेगा। जेएस में रात दिन काम कर रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को तवज्जो दिया जाएगा। बाकी जो लोग जेएस से दूरियां बना लिए हैं, आइए आप लोगों का हम साथ देंगे, आप लोगों का जेएस के प्रोग्राम में भी आएंगे तो हम सम्मान देंगे। और जेएस के जो विधायक बने हुए हैं साथी, उन लोगों की भी हम अच्छे काम करें भविष्य में, उनके लिए भी कामना करते हैं, बेहतर काम करें भविष्य में, फिर जीते वो लोग। अभी तो तीन ही विधायक जीते हैं, भविष्य में बहुत सारे विधायक जीतेंगे, बहुत सारे सांसद जीतेंगे विचारधारा का। ये मतलब नहीं कि आप कौन सी पार्टी से जुड़े हो, हमारा मतलब है समाज का सामाजिक केडर, समाज का केडर वाला व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए, उन लोगों को हम लोग आगे करेंगे। और जो जेएस के युवाओं के साथ जो चल रहा है, हम लोग इसीलिए हर किसी से नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि वो लोग चार दिन उसका काम करते हैं, चार दिन उधर काम करते हैं, चार दिन जेएस जेएस करते हैं, फिर बाद में और दूसरी जगह चलने लग जाते हैं, और फिर बाद में कहीं और मिलने चले जाते हैं। ऐसे लोगों को नहीं हम मानेंगे। यहां तो चट्टानों की तरह तटस्थ रहने वाले व्यक्ति का ही निर्णय को हम लोग वजनदारी के साथ स्वीकार करेंगे। अगर जो जेएस में चट्टान की तरह स्टेबल नहीं है, उन लोगों का निर्णय हम लोग नहीं मानेंगे, लाइटली लेंगे उनका निर्णय को, हम हल्के में लेंगे। जो समर्पण के साथ काम कर रहे हैं उनके निर्णय को हम लोग स्वीकार करेंगे, वो निर्णय हमारे लिए सर्वमान्य और आदरणीय और आदर्श भी रहेगा। लेकिन जो लोग चार दिन काम कर रहे इधर उधर, फिर वहां चले जाते हैं, चुनाव के चार महीने पहले जेएस वाले बन जाते गमछा डाल के, वो कहां गए अभी? देखो आप लोग, देखो ढूंढो कुछ, देखो जो चुनाव के पहले चार दिन पहले जेएस जेएस करते थे गमछा डाल के, 1500 के गमछे बांट दो और जेएस जेएस कर लो और फिर चुनाव का फायदा उठाने की कोशिश करो, वो लोग कहां है? 16 मई को वो लोग कहां थे? तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो चार दिन चांदनी के रूप में आते हैं जेएस जेएस करते गमछा लेके, उन लोगों को समझना, उनको जेएस की वैचारिकता के बारे में कुछ भी जानकारियां नहीं है, उनको सिर्फ पीला गमछा दिखता है और जेएस का माहौल दिखता है, उस माहौल को भुनाना चाहते हैं वो, तो उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है हम लोगों को। हमारा किसी के प्रति विरोध नहीं है, समाज किस हासिए पे पहुंच गया इस बात को चिंतन करने की जरूरत है। हर रोज मर रहा है समाज, इसके बारे में कौन सोच रहा है? और हम लोग ये भी जानते हैं कि कौन पॉलिटिकल में अच्छा सफल हो सकता है, अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मन में ऐसी लालसा मत लाओ कि समाज का नुकसान हो। भविष्य में चाहे जेएस का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वरिष्ठ हो, अगर जेएस के लिए नुकसान दिख रहा है तो उन लोगों को भी हम आउटसाइड करेंगे। नीलेश चौहान, जेएस के असली योद्धा चुनाव में जेएस के गमछे को दूर रखते हैं और राजनीतिक स्वार्थ के लोग चुनाव में पीले गमछे खरीद कर घूमते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे भाई, यही तो हो रहा है। हम लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। और इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है हमारे पुरखाओं के आशीर्वाद से, तो आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि आज इंदौर जैसे महानगर में जेएस का भव्य कार्यक्रम हुआ है, भविष्य में और भी महानगरों में भव्य कार्यक्रम होगा, तो ये खुश होने की बात है। उनको लगता है कि वो लोग नहीं रहे तो क्या जेएस का कार्यक्रम नहीं होगा क्या? जेएस किसी के बिना नहीं चलता है। आप नहीं आओगे तब भी जेएस चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तब भी जेएस चलेगा। जेएस का प्रोग्राम और जय आदिवासी युवा शक्ति का जो ये प्रोग्राम जो है जेएस का, ये कभी रुकने वाला नहीं है और किसी के भरोसे भी नहीं चलता है।
जिसके विचारधारा में दम होगा वो चलेगा, और जो फालतू लोग रहेंगे वो भले 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए युवाओं को भ्रमित करके रखेंगे, हम लोगों के प्रति उनका विरोधाभास विचारधारा बन जाएगी, लेकिन बाद में जब वास्तविकता पता चलेगी तब तक समय हो चुका होगा। इसलिए हम पहले से आगाह कर रहे सभी युवा साथियों को कि समाज हित का कार्य करो और किसी की बातों में आके भ्रमित मत हो। अगर कोई भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड देखो और उनकी कार्यशैली देखो कि वो किस हद तक कार्य किए पिछली बार भी और कहां कहां दिखाई दिए वो लोग, उनके बारे में देखो और उनको पूरा समझो, उसके बाद हम लोगों को फैसला लेना है कि हमें कहां रहना है। तो जेएस किसी को धोखा नहीं देगा, जेएस हमारे ऊपर अटैक करने वाले या हमारे ऊपर द्वेष भावना रखने वाले सभी साथियों के साथ हम साथ ही देंगे, हम हमेशा जोड़ने का ही काम करेंगे, किसी को तोड़ेंगे नहीं। हमने बहुत झेला है, उनको बुलाओ जेएस में आएगा तो ताकत मिलेगी, बहुत सारे आए और उनके संगठन खड़े करके चले गए, यहां समाज लड़ रहा है, मैं फलाना संगठन वाला। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ज्यादा संगठन, जेएस अगर चल गया तो बाकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी भी कार्यशैली हमको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हम लोग अपने रास्ते पे चलना शुरू कर दिए, किसी की पूछने की जरूरत नहीं है। समाज का कार्यक्रम हुआ है, खुश रहो और आगे भी हम लोग आप लोगों को साथ देंगे। आप लोग ये ना सोचे कि हम लोग आप लोगों से दूर है, सभी के साथ है हम लोग, जो 3 विधायक बने हैं उनके भी साथ है हम लोग, ऐसी बात नहीं है, वो भी समाज के बेटे हैं हमारे, और उन समाज को बेटों को भी हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से आप विधायक बन जाओ, जेएस के प्रोग्रामों में रहे वो लोग हमारे समर्पित और वैचारिक साथी, उन साथियों को नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग अभी टिकट नहीं मिली और जो लोग अभी कार्यक्रम में चाहते कि वो उनको मौका नहीं मिला या आए नहीं, शामिल नहीं हो पाए, तो उन लोगों को भी लगता होगा कि हमारे बिना काम नहीं होना चाहिए, ऐसा मत सोचो, अपना काम करते जाओ, हम लोग सभी के साथ है, किसी के विरोधी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने संगठनवाद के चक्कर में सभी बधाइयां दे रहे, उनके दिलो दिमाग में लगा कि हम बधाइयां नहीं देते, आप बधाई नहीं दोगे तब भी जेएस चलेगा, और आने वाले दिनों में युद्ध स्तर पे जेएस का कार्य होगा। अभी तो मैं फ्री हो गया हूं, बेहतर काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, जब मैं जॉब में था तो 1 दिन की भी छुट्टी आता था उसमें भी समय देता था, अब तो मैं फ्री हो गया हूं, फुल टाइमर बन गया हूं, बेहतर काम करेंगे सब युवा मिलकर। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो बैठो हमारे साथ, अपन सब बैठ के बात करेंगे, कोई कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन दूर रह के एक दूसरे का विरोध करने से क्या मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उल्टे आपका घाटा होगा। अगर आप चुनाव, छोटा मोटा चुनाव लड़ने वाले होंगे तो आप लोगों का घाटा होगा। इसलिए बिना जानकारी के हर किसी का विरोध करना ये गलत है। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव आया था, और जो जो साथी इंदौर प्रोग्राम में साथ दिए, अलग अलग कोई फोटो क्रांतिकारियों के फोटो बना के लाए, कोई क्रांतिकारियों के ऊपर गीत बना के लाए, कोई क्रांतिकारियों के ऊपर बेहतरीन शानदार पेंटिंग बना के लाए, और ऐसे समाज को बेटों को मैं दिल से सेवा जोहार करता हूँ। आपकी जय, जिंदाबाद, जय जेएस। भविष्य में बेहतर काम करेंगे साथियों, एक दूसरे का विरोध मत करो, विरोधाभास भी रहे तो हम लोग मिल बैठ कर अच्छे फैसले लेंगे और हमारे समाज को बेहतर ताकत बनाएंगे। अभी तो कुछ ही लोग नेतृत्व, राजनीति की बात करें तो कुछ ही लोग बने विधायक वगैरह, आने वाले दिनों में बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे लोग हमारे ही साथी, युवा साथी सदनों में जाएंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, पर जेएस सामाजिक रहेगा, जेएस सिर्फ लीडरशिप तैयार करेगा। इसीलिए जेएस सबके आंखों में किरकिरी बना हुआ है, इस कारण से आदिवासी यत विचारधारा वालों को ऊपर हर प्रकार का अटैक हो रहा है,
जैसे हमारे ऊपर हुआ, अटैक हुआ, उस अटैक का शिकार हुए हम लोग। तो साथियों, मैं इसीलिए लाइव आया था कि आप लोग, मैं आज भी जो पुराने साथी है उनके लिए, 2013 में मिला था आप लोगों को, मैं 12 में मिला था आप लोगों से, आज भी उसी अंदाज में हूं साथियों। मेरे में कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है, मैं आज भी उसी स्वभाव के साथ, उसी चरित्र के साथ समाज में चल रहा हूं और भविष्य में भी चलते रहूंगा। आप लोगों को भी अकेले नहीं छोड़ूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, सबके साथ चलूंगा। लेकिन समाज विरोधी बात आएगी तो वहां पे मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा साथियों, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अकेले में चिंतन करो। और जो युवा सोच रहे हैं कि हम लोगों ने अगर गलत किए तो आप लोगों को, हम लोगों सब मिलके ऐसे इस लायक बनाए कि आज आप लोगों को सब दूर जानते हैं लोग, जेएस के कारण से, मेरे कारण से नहीं, जेएस विचारधाराओं के कारण पहचाने। जिस दिन जेएस से दूर होके देखो, आप अकेले पड़ जाओगे, जैसे पहले थे उस अवस्था में चले जाओगे। आज हम लोग कितना झेलते हैं, जेएस का प्रोग्राम होते थे, होता है तो गवर्नमेंट की भी तमाम खुफिया एजेंसियां लग जाती है, जैसे वैसे करके हम लोग प्रोग्राम करते हैं साथियों। ऐसे प्रोग्राम सफल होते हैं तो आप लोग साथ दो, एक दूसरे का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं यही कहने के लिए लाइव आया था और समाज के बेटे अभी बेहतर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए मैं फिर से दिल से सेवा जोहार करता हूं। और साथियों, बेहतर कार्य करेंगे, एक दूसरे में विरोधाभास नहीं रखेंगे। हम सब निसर्गवादी समाज की संतानें हैं, हम सब कुदरती समाज की संतानें हैं। हमारा समाज सिर्फ वास्तविकता के साथ जीता है, तो इसी वास्तविकता के साथ हम लोग भी आपसी भाईचारे के साथ, इंसानियत और नैतिकताओं के साथ रहेंगे और बेहतर कार्य करेंगे साथियों। इसी के साथ सभी साथियों को जय जय एस, आपकी जय, जिंदाबाद, सेवा जवाहर।